6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद के नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था, मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है, और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के और हरियाणा से भी 2 पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हुड़ा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड़ा साहब चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 1957 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, 90 में जब लाया गया राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और क्रिमिलियर की लिमिट को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कृषि और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के बीसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, हरियाणा में भी पिछड़े वर्ग के कल्याण की कई योजनाएं हुई हैं। सैनी जी ने वो बताया है, मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूं, परंतु मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए, एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने
जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना। हर दसवां जवान हरियाणा से आता है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें कोई अगर खरीदता है तो हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार खरीदती है। गांव में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक देने का वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना। महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य।